भर तरोताजा महसूस करना, बढ़ती उम्र को पीछे छोड़ देना, खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे कड़ी मेहनत है तो आप बिल्कुल गलत हैं। बस आपको जरूरत है तो नहाने की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल बेदिंग, क्या है इसके गुण और कैसे बन सकते हैं आप भी खूबसूरत, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ बेदिंग के बारे में। आफ्टर ऑल नहाना किसे पसंद नहीं, पर हम इस नहाने को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं और अपनी स्किन और हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर हम इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री और हिस्टोरिकली देखें तो नीम बात इज अ बात विच इज मोस्ट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर रह चुकी है अपने आप में और विच इज नोन फॉर वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। इसको अगर हम घर पे तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जरूरत है हमारी, हमने हल्का सा गुनगुना पानी एक टब या बकेट में भरा, हमको उसके साथ चाहिए कुछ फ्रेश नीम लीव्स, क्लीन नीम लीव्स जिसको हम पानी में धो के उसको रखें। आप उस गुनगुने पानी में नीम लीव्स को डाल दीजिए, लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। हमने 10-15 मिनट रखा, रीजन बीइंग कि 10-15 मिनट में जो ऑस्मोस प्रोसेस है उसके थ्रू नीम लीव्स के जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स हैं वो पानी के साथ अपने आप को डाइल्यूट कर लेंगे और मिक्स हो जाएंगे। उसको हम अपने नहाने में इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, हमारे को बहुत से हद तक छोटे माइनर जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए वो हेल्पफुल है, वो ट्रीट करेगा। बच्चों को डैंड्रफ जिनको होती है उसके लिए बेनिफिशियल है। और साथ साथ इट्स अ हेल्दी वे ऑफ टेकिंग अ बाथ, इन अ सेंस कि आज के पोल्यूशन और धूल मिट्टी भरी जिंदगी के अंदर इट्स द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योरसेल्फ। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप पे आते हैं तो इन फीमेल्स या फिर ब्यूटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मिल्क बाथ अगेन इज अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ हैविंग अ बाथ। हम मिल्क बाथ को अपने घर में कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से तैयार की जा सकती है मिल्क बाथ को लेने का तरीका अपने घर के अंदर फॉर अ रेगुलर फीमेल या फिर किसी छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत हद तक सॉफ्ट होती है। अगेन हम अपने टब में, जिनके पास टब है, जिनका बहुत बड़ा घर है वो अपने टब में, या फिर हम इवन एक बकेट के अंदर दूध को रखें, उसके साथ आपने हल्का सा उसको एक एरोमाथेरेपी एसेंस के लिए आपने रोज लीव्स, रोज पेटल्स डाल दी साथ में। उसको आप, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं दूध को, उसको ठंडे दूध को आप, इट्स लाइक अ हाइड्रेशन, आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा ये। आपने रोज बाथ और मिल्क बाथ इस तरीके से ली, या फिर आज के समय में हम क्या करते हैं, वी कैन इवन यूज मिल्क पाउडर। आपने पानी के साथ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, आपने उसकी पेस्ट बनाई और यू कैन अप्लाई दैट ऑन योर स्किन, दैट विल हाइड्रेट योर टेक्सचर। एक तरीके का नेचुरल मॉइस्चराइजर हो जाएगा वो आपकी स्किन को, जो ट्रीट करेगा आपकी स्किन को वाइटन और लाइट करेगा साथ में, क्योंकि मिल्क इज नोन फॉर इट्स लाइटनिंग एजेंट्स। मिल्क एंजाइम्स आते हैं विच कैन बी यूज ऑन स्किन टू रिमूव द टैनिंग फ्रॉम आवर स्किन। तो दिस इज अनदर सेकेंड बेस्ट वे टू टेक अ बाथ एट होम, और जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इजीएस्ट अवेलेबल सिस्टम ऑफ टेकिंग अ बाथ, दैट इज सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ के लिए हमको क्या चाहिए, अगेन एक हल्का सा गुनगुना पानी और साथ में बॉडी सॉल्ट्स। बॉडी सॉल्ट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। आप इसके लिए जरूरी नहीं अपना आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें साथ में, लेकिन इसके एक डिफरेंट बॉडी सॉल्ट्स आते हैं विच कैन यू कैन बाय एट अ गुड ग्रोसरी शॉप या फिर आप एक मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। सॉल्ट बाथ हैज प्रूवन मेडिकल बेनिफिट्स, एज इन अगर हमने बात करें, अगर हम पुराने टाइम में देखें तो लोग चश्मों पर जाके नहाते थे, क्यों, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत हद तक उससे ठीक हो जाते हैं। सॉल्ट बाथ के जो बॉडी सॉल्ट्स आते हैं वो अपने आप में इतने इफेक्टिव हैं कि फॉर ओल्ड एज पीपल जिनको बहुत हद तक आर्थराइटिस या फिर जिनको बहुत हद तक आपको स्किन डिजीज या स्किन डिसऑर्डर होता है, जिनकी स्किन पर रेड रैशेस पड़ जाते हैं, सॉल्ट बाथ उसको ट्रीट करता है। दैट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव स्किन डिजीजेस। अगर हम बात करते हैं अब मड बाथ की, तो मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ जो सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव मड इज फ्रॉम जॉर्डन सी और या फिर मेडिटेरियन सी, डेड सी की जिसको बहुत पॉपुलरली बोला जाता है उसकी, दैट हैज अगेन इफेक्टिव प्रूवन बेनिफिट्स फॉर आर्थराइटिस। आपने उसकी पेस्ट लगाई अपने इफेक्टिव जोन के ऊपर, लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स और फिर आप उसको रिंस आउट कीजिए, दैट ट्रीट्स योर आर्थराइटिस। अगर आपको एक्ने है तो हमने उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन पेस्ट बना के हल्का सा, अगर आपको इफेक्टिव एज एन डिसऑर्डर है स्किन के अंदर या फिर हमारे को पिंपल्स या बहुत ज़्यादा होते हैं तो हल्का सा हमने एक दो ड्रॉप लेमन जूस साथ में मिलाया और उसकी पेस्ट, पानी के साथ पेस्ट बना के हमने चेहरे पर लगाया, या फिर हम गुलाब जल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल के साथ हमने मुल्तानी मिट्टी की पेस्ट बनाई, स्किन के ऊपर लगाई और फिर उसको हमने रिंस आउट किया, 15 मिनट रखा फिर रिंस आउट किया। दिस इज अगेन गुड फॉर इम्प्रूविंग आवर टेक्सचर, मॉइस्चराइजिंग आवर स्किन एंड लाइटनिंग द स्किन टोन। अब हम बात करते हैं
सोना और स्टीम बाथ के बारे में, विच इज अगेन मोस्ट पॉपुलरली नोन अमंग यंगस्टर्स, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? सोना बाथ इज यूजली टेकन बाई पीपल हु वॉन्ट टू रिड्यूस देयर वेट बिकॉज इट टू एन एक्सटेंट इट मेल्ट्स डाउन द फैट. लेकिन सोना है अपने आप में ड्राई हीट, देयर इज लेस रिलेशन विद वाटर इन इट. लेकिन हाँ, अगर वो आपके पसीने को गलाती है, आपको पसीना आता है, आपके फैट को गलाती है, वो सोना बाथ इज यूजफुल फॉर पीपल हु वॉन्ट टू लूज वेट. इसके साथ साथ अगर हम आए वेट हीट के ऊपर, एज इन स्टीम बाथ के बारे में, स्टीम बाथ के बेनिफिट्स ये हैं कि द पीपल हु यूजली गो टू अ जिम, उनकी मसल्स अपने आप में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. स्टीम बाथ से वो फ्लेक्सिबिलिटी वापस आती है, आपके टिश्यू को बहुत हद तक वो नरिश करेगी, और साथ साथ उसके वेट लॉस बेनिफिट्स जो हैं वो तो हैं ही हैं. आपके फैट को कुछ हद तक बर्न आउट करती है, कैलोरीज आपकी कम करती है, कैलोरीज आपको लूज आउट करने में मदद करती है, और साथ साथ आपके स्किन को एक हल्की, अपने आप में एक फ्रेश और एक हेल्दी फीलिंग देती है. क्योंकि जितना भी सॉल्ट या जितना भी स्वेट आपके टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है, जितना पसीना हमारे ब्लॉक हो चुका है, उस वो गर्मी से, स्टीम बाथ से वो सारा आसानी से वॉश आउट होता है, और आपकी स्किन अपने आप में एक हेल्दी और अपने आप में रिलैक्स फील करती है.